हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल रिकरिंग सीक्वेंस इन अ फ्रैक्शन। हम इनपुट में एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें एक न्यूमरेटर दे रखा है और एक डिनोमिनेटर दे रखा है। एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, हमें क्या करना है, बस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझते हैं और बाकी कुछ केसेस समझेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो अभी कुछ सिंपल इनपुट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इनपुट कुछ लिख रखे है और ये सारे इनपुट हम समझेंगे। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये न्यूमरेटर को इंडिकेट करती है और जो नीचे वाली है वो डिनोमिनेटर को। ठीक है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इसका निकालते हैं। ठीक है, हम इसको डेसिमल में कैसे करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूंगा। ऑल्सो उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमें सारी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, वैसे ही हमारे कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, तो 8 और 4 है। ठीक है, हमारा जो डिविडेंड होगा वो 8 हो जाएगा, डिवाइजर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में सिंपली 2 आएगा। ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया। ठीक है, हमारा इस केस के लिए आंसर क्या होगा, सोचिए। कुछ नहीं होगा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा 2। हमें रिटर्न कर देना है 2। ठीक है, कैसे रिटर्न करना है, हमें सिंपली स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, उस स्ट्रिंग में हमें 2 को ऐड कराना है। ठीक है, इस केस के लिए आंसर 2 हो गया। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल डिवीजन करी है और आपको आता है 1 निकालना है, कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, अब फिर और केस देख लेते हैं। अब ये केस देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है जो हमारा डिविडेंड है वो है 37 और जो डिवाइजर है वो है 2। ठीक है, तो हम इसको 19 से करेंगे, 19 से हमारा जो क्वेश्चन है वो 19 आ गया। ठीक है, फिर हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया, नहीं 18 से 19 से 38 हो जाएगा ना ज़्यादा, तो कितना आ गया रिमाइंडर हमारा 1। अब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारा रिमाइंडर 1 आ गया है, हम सबसे पहले यहाँ पे डॉट ऐड करेंगे कि डेसिमल का डॉट। ठीक है, हमने डॉट ऐड कर लिया, फिर हम यहाँ पे इसको इंटू 10 कर देंगे, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको इंटू 10 कर दिया। अब हम वापस निकालेंगे, तो अब हम वापस निकालेंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो हमारा क्वेश्चन 5 आ गया और जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो मतलब जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका मतलब हमें अपना आंसर मिल गया। हमारा आंसर इस केस के लिए क्या है, हमारा आंसर 18.5 आया है, 18.5। मैं आपसे वापस बोलना चाहूँगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा आंसर है और हमें उसको स्ट्रिंग में स्टोर कराना है। ठीक है, अब फर्दर स्टेप्स में जाने के लिए ना मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिंपली आपसे बोलना चाहता हूँ कि इसका कोड सोचिए कि अगर ये दो केसेस है तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, अभी हम मैं थोड़ा एक्सट्रीम में नहीं जाना चाह रहा, चाह रहा है आपको थोड़े मुश्किल केस देखेंगे, तो अभी इस सिंपल की बात करते हैं। इसके लिए क्या स्टेप्स है, इसको स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मेरा जो पहला स्टेप है वो है क्वेश्चन निकालना। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे निकालूंगा, मुझे न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो इससे मेरा क्वेश्चन निकल जाएगा। तो मुझे अपना रिमाइंडर निकालना है, मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा न्यूमरेटर मॉडुलस डिनोमिनेटर। ठीक है, सिंपल स्टेप, कुछ काम का कुछ खास नहीं किया, दो सिंपल स्टेप। हमारा आंसर है एक स्ट्रिंग में स्टोर्ड, हमारा आंसर एक स्ट्रिंग में स्टोर्ड है, हम क्या करेंगे, अपने आंसर में हम क्या ऐड करेंगे, मान लीजिए हमारा आंसर है तो हमें आंसर में क्या ऐड करना है, क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है वही तो हमारा आंसर होगा, तो आंसर प्लस इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि इस केस में हमारा आंसर 2 था, हमें पता क्या चला कि हमारा फाइनल आंसर है, और इस केस में भी, इस केस में तो अभी बात नहीं करते, अभी बाद में बात करेंगे, पर इस केस की बात करते हैं, हमें कैसे पता चला कि हमारा आंसर 2 आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा अगर जो रिमाइंडर है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे अपना आंसर मिल गया, तो मैं सिंपली अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा, सिंपली मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है, मैं इसको हटाना चाहूँगा, इन केसेस के लिए वैलिड है कि नॉर्मल
मुझे इंटीजर वैल्यू दे रखी है और वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 418 हो गया या 32 और कुछ हो गया, जैसे कि 32 और 2 हो गया, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन 21 आ गया, 21 नहीं सॉरी 16 आ गया, और इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया और आंसर 16 आ गया। इन केसेस के लिए क्या ये स्टेप से मैं ये केसेस के लिए अचीव कर सकता हूँ अपना आंसर? बिल्कुल हाँ कर सकता हूँ। अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, अपने कोड को इजी स्टेप में ब्रेक करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन निकाला। कैसे निकाला? क्वेश्चन इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। क्वेश्चन निकाल लिया, अब क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो उसके लिए क्या है, न्यूमरेटर मॉडुलस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या किया मैंने, अब जो मेरा फाइनल आंसर है वो तो मैं स्ट्रिंग में रिटर्न करना है ना, तो मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग जिसको मैं बोल देता हूँ आंसर, इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो मैंने क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल लिया, अब जो भी क्वेश्चन है मुझे अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर प्लस इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो मैंने ये कर लिया। अब हमने क्या डिस्कस करा कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब मुझे अपना आंसर मिल गया। तो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मतलब मुझे अपना आंसर मिल गया, मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा अपना आंसर। और यहाँ पे एक और बात कि यहाँ पे हमने आंसर प्लस इक्वल टू क्यू कर दिया, ये तो इंटीजर वैल्यू है तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर प्लस इक्वल टू टू स्ट्रिंग क्यू, ठीक है। तो जो हमने अब तक कोड लिखा है, बच्चे वाला कोड लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा, बट क्या ये इनपुट हमारे लिए हैंडल कर देगा 84 और जो हमने डिस्कस किए? अब इसको चला के देखना चाहूँगा मैं एक बार, हमारा 84 जैसे कि इनपुट है, अब इसको रन करके देखते हैं ये अब क्या। हाँ यहाँ पे तो अंडरस्कोर आएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये केस इन्हें कम्प्लीटली हैंडल कर लिया। जैसे ही ये केस देख लेते हैं, अगर 32 और 2 है, ये भी हमारे लिए सक्सेसफुली आंसर दिया है 16, ठीक है। तो ये तो बहुत बच्चों वाले केस थे, बहुत सिंपल केस थे मैं जानता हूँ। तो अब वापस इस केस की बात करना चाहूँगा मैं, ठीक है। हमने पहले वाला केस हैंडल कर लिया, अब मैं 14 और 3 इस केस के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जो हमारा डिविडेंड है वो है 14 और डिवाइजर है 3, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारा, ठीक है, और रिमाइंडर आएगा हमारा। अब क्या हुआ, अब हमने अपने आंसर में चलो 4 को ऐड करा लिया, बट इस बार हमारा रिमाइंडर तो 0 है या नहीं। हमारा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे एल्स में आएगा ना, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो हम अपने आंसर में यहाँ पे हम डॉट ऐड करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर देंगे एक डॉट, ठीक है, डेसिमल वाला डॉट, अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। तो वैसे ही कुछ करते हैं, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया है, 0 नहीं है, तो हमने यहाँ पे डॉट ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमने डॉट ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप सोचिए हम क्या करेंगे, कुछ सोचिए, नॉर्मल डिवीजन है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है अपने रिमाइंडर को, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम जो रिमाइंडर है हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अपने रिमाइंडर को, फिर तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, 20। अब हम वापस क्या करेंगे, अब वापस हम क्वेश्चन और रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर और क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं वापस। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आ गया ना बड़ा, जो कि 20, तो रिमाइंडर से हमने डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर को, ठीक है। और जो हमारा नया रिमाइंडर है वो हो गया रिमाइंडर मॉडुलस डिनोमिनेटर, ठीक है। और
ये कर दिया, और ये मत भूलना कि जो भी मेरे क्वेश्चन में आएगा, जो भी मैं क्वेश्चन में कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूँ तो वो मैं अपने आंसर में ऐड करूंगा। तो आंसर प्लस इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे पहले इस केस की जगह मैं आपको कोई और केस दिखाना चाहूंगा ताकि उससे आपको समझे कि हम क्या अचीव कर रहे हैं और ये कब तक काम होगा। वापस हम 37 और 2 वाला केस देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। हमने क्वेश्चन निकाल लिया, हमारा 18 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। हमने देखा कि हमारा जो ये, तो हमने 18 ऐड कर लिया अपने आंसर में, फिर हमने देख चेक किया कि रिमाइंडर तो 0 है नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 1 है। हमने सबसे पहले यहाँ पे डॉट ऐड कर दिया, ठीक है, कर दिया डॉट ऐड। फिर क्या किया, रिमाइंडर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, रिमाइंडर हो गया 10। फिर वापस हमने क्वेश्चन कैलकुलेट किया, अब कितना आएगा क्वेश्चन, 5 आ गया, ठीक है, और जो रिमाइंडर आ गया हमने उसको माइनस किया तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0, ठीक है। और हमने आंसर में तो ऐड कर ही दिया था ना, अभी हमारा कब तक ऑपरेशन हो रहे हैं ये सोचिए। ये हमारे तब तक हो रहे हैं जब तक जो हमारा रिमाइंडर है ना, वाइल, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, वाइल रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो तब तक हम ये स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं जब तक हमारा जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तब तक हम ये स्टेप्स कर रहे हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो अभी काम करते, जो स्टेप्स लिखे हैं वो ही कोड कर देते, ठीक है। हमारा पहले रिमाइंडर अगर 0 नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, एल्स में एक डॉट ऐड कर देता हूँ, है ना, मैं एक डॉट ऐड कर देता हूँ, तो वही मैं काम करूँगा जैसे मैंने बोला, आंसर प्लस इक्वल टू डॉट, ठीक है। अब मैं इससे बाहर आया, अब मैंने ना एक वाइल लूप चलाया तब तक का जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, तो वाइल रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने रिमाइंडर को इंटू 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रिमाइंडर इंटू इक्वल टू 10, रिमाइंडर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस कंप्यूट करता हूँ मेरा क्वेश्चन और रिमाइंडर, मेरा क्वेश्चन कितना आ गया, अब मेरा रिमाइंडर तो मेरा बढ़ गया ना, तो रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, और मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर मॉडुलस डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन और रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया, मुझे आंसर में भी तो क्वेश्चन को ऐड करना है, तो आंसर प्लस इक्वल टू, और वापस मत भूलना कि यहाँ पे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर क्वेश्चन को ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। और एंड में हमें क्या करना था, हमें रिटर्न करना था आंसर को। तो इस कोड से क्या हैंडल हो जाएगा, इस क्वेश्चन से क्या ये केस हैंडल हो जाएगा 36 और 2 वाला, जिसमें हम पहले डेसिमल में जाते हैं और फिर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो काम करते हैं, पहले ये कोड को मैं रन करना चाहूँगा, कुछ गलती होंगी तो उसको फिक्स करेंगे। अब हम क्या इनपुट के लिए देखना था, हमें 37 और 2 के लिए, रनिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं 18.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारे इनपुट के लिए, ठीक है। तो हमने वही किया जो हमने डिस्कस किया। अब मैं बात करना चाहूँगा पहले जो मैंने आपको बोला था कि उसके बारे में मत सोचिए, वो था ये थर्ड स्टेप, जो थर्ड प्रॉब्लम लिखी है, इफ द डेसिमल्स आर रिपीटिंग रिकर्सिवली देन यू हैव टू पुट द रिकरिंग सीक्वेंस इनसाइड अ ब्रैकेट, ठीक है। अब हम ये केस समझेंगे, अब हम ये केस समझेंगे, ठीक है। अब तक जितना समझा मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया, वो अच्छे से समझा हमने, बार बार रिपीट किया, अब हम ये केस समझेंगे, ठीक है। अब ये देखना इस बार क्या होता है, हमारा डिविडेंड है वो 14 है, डिवाइडर 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्वेश्चन निकाला, हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन हमारा 4 आ गया, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। हमने देखा कि हमने आंसर में तो ऐड कर रही है हमारा आंसर, ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डॉट ऐड कर दिया, ठीक है, कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने टास्क परफॉर्म किया जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, ठीक है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, ये 20 हो गया, फिर वापस क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला, कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो आ गया 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा,
अब मैं वापस से हार देखूंगा कि मेरा रिमाइंडर तो अभी भी जीरो नहीं हुआ, तो मैं इसको वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, फिर वापस क्वेश्चन निकालूंगा, वापस रिमाइंडर निकालूंगा, इतना आ गया रिमाइंडर मेरा 2, ठीक है रिमाइंडर 2 आ गया, फिर वापस उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर वापस क्वेश्चन निकालूंगा, फिर वापस रिमाइंडर निकालूंगा, ठीक है। और अब तो आपने नोटिस नहीं करा है, तो ये चीज़ नोटिस करिए कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जीरो तो है नहीं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्वेश्चन निकाला और फिर रिमाइंडर निकाला, ठीक है, इतना आ गया 2। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारा हमारा क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जी हाँ, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हमें कैसे आंसर देना है, अब ये डिस्कस करते हैं। पहले इस केस में हमें ऐसे आंसर देना है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यू हैव टू पुट रिकरिंग सीक्वेंस इनसाइड अ ब्रैकेट। जो भी रिकरिंग सीक्वेंस है, क्या है वो इस केस में, इस केस में है 4 तो बार बार नहीं आ रहा, बट जो 6 है वो बार बार आ रहा है। तो मुझे पहले एक ब्रैकेट डालना है, फिर 6 और फिर वापस ब्रैकेट। ये क्या दिखा रहा है कि जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं एक और केस आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, इसी का ही, रिकरिंग, इसमें रिकरिंग सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमें हमारा जो कोड है वो इस केस के अलावा बाकी केस तो हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये केस अभी हैंडल नहीं कर रहा हमारा कोड, हमें पता है, क्योंकि वो बार बार हमारा कोड तो 666 ये तो प्रिंट करता जाएगा इनफाइनाइटली, ठीक है, क्योंकि लूप से तो कभी बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी जीरो हो गए, ठीक है। अब एक और केस देखते हैं, अब हम देखेंगे ये केस, हमारा डिविडेंट है वो है 93 और जो डिवाइजर है वो है 7, ठीक है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आएगा 7, 77, 84 और 91, तो 7, 13 कितना होता है हमारा 91। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 13 आ गया, जो रिमाइंडर है वो 2 आ गया। फिर हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो यहाँ पे हमने डॉट ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर हमने फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर हम इसको वापस कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 13.2, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है, फिर 6 आ गया, फिर वापस हम 0 ऐड कर देंगे, ठीक है, रिपीट तो हो नहीं रहा ना अभी, तब तक करते रहेंगे, ठीक है। अब कितना आ गया 7, 8, 56, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, यहाँ मैंने वापस 0 ऐड किया। इस बार ये एनालाइज करो, यहाँ पे तो 6 बार बार आ रहा था, यहाँ पे एटलीस्ट डिफरेंट रिमाइंडर डिफरेंट क्वेश्चन तो आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया 7, 5 कितना होता है हमारा 35, कितना आ गया रिमाइंडर 5, 0 ऐड किया। अब 7, 7, 49, ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको 49, माइनस किया 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 हो गया, फिर 1, ठीक है, वापस इसको रिड्यूस किया, तो अब हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा, वापस यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्वेश्चन निकाला, कितना आ गया 7, 4, 28, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 28 और 2 आ गया। अब मैं इसी का वेट कर रहा था तब से कि आपको ये दिखाना चाहूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले कभी 2 रिमाइंडर आया था, हाँ पहले कभी 2 रिमाइंडर आया था, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर आया था। तो अब कुछ नोटिस करना बहुत इंटरेस्टिंग, अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक काम कर दो, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखना, अब यहाँ पे हमारा 2 आया था, हमारे यहाँ पे 2 आ गया, तो अब क्या होगा, 2 तो पहले आ चुका है, अब देखना कि कैसे रिपीट होगा। अब यहाँ पे हमने 0 ऐड किया, ठीक है, हमने 0 ऐड किया, अब हम इसका वापस क्वेश्चन निकालेंगे, तो कितना आ गया 2, ठीक है। मैं इसको जाम मुझे थोड़ी इधर लिख रहा हूँ कि आप एनालाइज करिए कि कितना रिपीट हो रहा है टॉप। और एक काम करता हूँ, नहीं
इधर ही रहने दे दो वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। बट जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना आ चुका है अब तक, 13.28 5 7 1 4। और ठीक है तो मैंने रेड से मार्क कर लिया इसके बाद, क्योंकि मेरा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हुआ था। ठीक है तो अब देखना क्या होता है, अब मैं इसको करता हूँ, कितना आ जाएगा 7 2 सा, यहाँ पे मैंने 14 से रिड्यूस कर दिया, अब आ गया 6। ठीक है अब 6 आ गया, तो अब ये देखिए 6 भी पहले आया था, तो मैं इसको यहाँ पे 60 कर दूंगा, अब मैं यहाँ से इसको 8 से करूँगा। ठीक है मैं इसको फोर्स 28 से 56 होता है, तो वापस अब 4 आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 0 ऐड कर दिया, अब 4 40 भी पहले आया था, 4 रिमाइंडर हमारा पहले आया था ना, 5 35। ठीक है अब कितना आ गया 5, तो अब यहाँ पे वापस 50 आ जाएगा, यहाँ पे वापस 7 आ जाएगा 49 1। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारा जो रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर जब भी रिपीट होता है, इसका मतलब तभी से जो रिकरेंस है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, हमारा जो हमें बार बार 2 रिमाइंडर आ रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं बार बार 2 रिमाइंडर आ रहा था। ठीक है तो जब भी जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है, तब से मतलब रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 2 था, हमारा रिमाइंडर 2 आ रखा था पहले, फिर वापस एक पॉइंट पे हमारा 2 रिमाइंडर आया। ठीक है वापस एक पॉइंट पे हमारा यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया, तो इसका मतलब कि अब वापस सेम पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है तो इस केस के लिए मेरा आंसर क्या आएगा, 13 पॉइंट मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 2 8 5 7 1 4 और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब ये वापस रिपीट होगा। ठीक है तो अब हमने ये तो डिस्कस कर लिए, तो अब ये हम हैंडल कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, अभी हैंडल कैसे करेंगे। अगर आपने सोचा नहीं तो अब अभी तक सोच लिया होगा कि हम सिंपली इसको हैंडल कर सकते हैं यूजिंग आर डेटा स्ट्रक्चर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, इतना तो पता ही होगा यार, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, हाँ हमें हैश मैप यूज करेंगे। हैश मैप में क्या स्टोर कराएंगे, हैश मैप में ऑफकोर्स हम रिमाइंडर स्टोर कराएंगे, हम वही तो चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है या नहीं, और हम और कुछ स्टोर कराएंगे जो मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता। ठीक है आप खुद सोचिए, हमें उसकी जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है तो अभी काम करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। ठीक है सबसे पहले मैं हैश मैप बना लेता हूँ। ठीक है अनऑर्डर्ड मैप इंटीजर, और इंटीजर है, और यहाँ पे कुछ और भी होगा जो हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, अभी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा। ठीक है अब दो केसेस होंगे, दो केसेस। ठीक है वो दो केसेस क्या होंगे कि अगर मेरा मैप में वो रिमाइंडर पहले से प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, अगर मेरा मैप वो रिमाइंडर को कंटेन करता है या नहीं कंटेन करता। ठीक है तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट नहीं सॉरी, इफ मैप डॉट फाइंड, कि मेरा मैप अगर कंटेन करता है ना पहले से, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड। ठीक है ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ तो ये कौन सा केस है कि अगर जो मेरा मैप है वो कंटेन करता है मेरे रिमाइंडर को पहले से, तो मैं कुछ करूँगा। ठीक है तो मैं कुछ करूँगा, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, वरना मैं कुछ करूँगा, वरना ये सब करूँगा मैं जो मेरे एल्स में लिखा है। ठीक है वरना मैं एल्स वाला काम करूँगा। ठीक है तो अगर मैप में मेरा रिमाइंडर पहले से प्रेजेंट है मैं कुछ करूँगा, वरना एल्स में करूँगा, और एल्स में मैं क्या करूँगा, एल्स में अगर मतलब वो रिमाइंडर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसको पुट करूँगा, है ना, उसको मैं अपने मैप में, अब तो मैं उसको मैप में ऐड कर दूंगा, तो मैप आर इक्वल टू, अब वही बात अब आ गई, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, हम मैप में रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है रिमाइंडर की स्टोर कर रहे हैं, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा रिमाइंडर पहले से प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है अब हमें और क्या चाहिए, हमें और क्या चाहिए वो देखते हैं। हमें एक हमें जो अपना आंसर है उसमें ऐसे रिटर्न करना था जैसे कि इस केस में। ठीक है काम करता हूँ
मैं इस यहाँ पे केस आपको दिखाना चाहूंगा वापस। तो इस केस में क्या था कि हमें पता 6 बार बार रिकर हो रहा है, वापस आ रहा है, रिकरेंस हो रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रैकेट डाला था, ठीक है। तो हमें एक ब्रैकेट डालना है, हमें अगर वो रिपीट हो रहा है बार बार, हमें एक ब्रैकेट डालना है। हमें वो ब्रैकेट कहाँ पे डालना है, हमें ब्रैकेट डालना है वो जो अपना रिपीट वाला सीक्वेंस है उससे पहले। तो क्या अगर मैं यहाँ पे इसकी लेंथ स्टोर करा लूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 4.6 है, ठीक है, मेरा जो अभी आंसर है उसमें ये स्टोर्ड है 4.6, ठीक है। अब क्या होगा, 6 तो रिपीट होगा इसके बाद। तो अगर मुझे इसकी लेंथ पता चल जाए, इसकी लेंथ कितनी है, कितनी है आप बताइए, इसकी अगर मुझे लेंथ पता चल जाए, इसका साइज पता चल जाए, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उससे मैं जो 6 की पोजीशन है, मैं 6 की पोजीशन पे ब्रैकेट स्टोर करा सकता हूँ अपना पुराना वाला, अपना फ्रंट ब्रैकेट। और फिर क्या कर सकता हूँ, 6 तो ऑलरेडी वहाँ पे है और एंड वाला ब्रैकेट तो मुझे एंड में लगाना आता ही है। तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर कराऊंगा, यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कराऊंगा, जो भी मेरा आंसर का साइज है, जो भी मेरे स्ट्रिंग का साइज है वो मुझे वो बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें पता चलेगा कि वो हमें हेल्प कैसे करेगा, ठीक है। तो मेरे साथ बनिए रहिए। तो मैप आर इक्वल टू आंसर डॉट साइज, आंसर हमारी स्ट्रिंग है उसका साइज, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर जो हमारी मैप है उसमें ऑलरेडी वो रिमाइंडर पड़ा होता है, तब मतलब कि वो रिकर हो रहा है बार बार, वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, वो मतलब रिपीट हो रहा है इस बार 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 नहीं, इस बार, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, तो अगर वो रिपीट हो रहा है तो मैं सबसे पहले उसकी लेंथ एक्सट्रैक्ट करूँगा। उसकी लेंथ कितनी हो गई, मैप जो भी उसकी लेंथ रखी है, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि उसकी लेंथ हमें हेल्प कैसे करेगी, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसकी लेंथ हमें हेल्प कैसे करेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मुझे अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे एक फ्रंट ब्रैकेट लगाना था और एक एंड ब्रैकेट लगाना था। तो मैं आंसर डॉट इंसर्ट कर दूंगा, जहाँ भी उसकी लेंथ थी, जो भी उसकी लेंथ थी वहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा फ्रंट ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया फ्रंट ब्रैकेट, ठीक है। और क्या करूँगा, मैं आंसर के एंड में लगा दूंगा अपना आखिरी एंड वाला ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने एंड वाला ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मतलब दो केसेस थे ना कि मेरा आंसर मिल गए, एक था कि मेरा रिमाइंडर 0 आ गया और एक था कि वो रिपीट हो रहा है। तो मैं सिंपली ब्रेक कर दूंगा, मतलब मुझे अपना आंसर मिल गया, ठीक है, मुझे अपना आंसर मिल गया। तो यही था कुछ कोड के लिए मेरे। अभी काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, और उससे पहले काम करते ओवरव्यू कर लेते हैं अपना कोड, कुछ गलती तो नहीं कर दी। आंसर प्लस ये यहाँ पे मैप तो हमने लिखा ही नहीं, कोई नहीं, बाकी तो सही लग रहा है। रन करते हैं एक बार, गलती तो फाइंड करते हैं। अभी तो इस इनपुट के लिए, हाँ मैं इनपुट हटा देता हूँ, अब वापस एक बार रन करते हैं, ठीक है, और सबमिट करके देखते हैं। परफेक्ट, सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए, बढ़िया। और क्या चाहिए था, सही है। अब मैं जानता हूँ आपको अभी ये ब्रैकेट वाली बात अच्छे से समझ नहीं आई होगी, तो हम एक काम करेंगे, ये वापस एक बार समझेंगे, ठीक है। मैं काम कर दूँ, इस कोड को मैं ले आता हूँ, फिर आप इसको एक बार एक टेस्ट केस के साथ एनालाइज करेंगे, एक दो टेस्ट केसेस के साथ, ठीक है। तो शुरू से कुछ टेस्ट केसेस के साथ अपना कोड एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, तो क्या क्या टेस्ट केसेस हमारे देखते हैं, वो ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो जैसे कि हमें दे रखा है 37 और 2, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस केस के लिए देखते हैं अपने क्वेश्चन इसका निकाला, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन निकालते हैं, ये हमारा डिविडेंड बन गया और ये डिवाइजर बन गया। तो क्वेश्चन कितना आया इसका, इसका क्वेश्चन आया 18, ठीक है। 18 को हमने आंसर में स्टोर करा लिया, ठीक है। फिर हमें रिमाइंडर भी कैलकुलेट करना था, रिमाइंडर आ गया 36 और 1, ठीक है। तो अब तक ये हमने आंसर में स्टोर करा रखा 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 है, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई नहीं, हम एल्स में आ जाएंगे।
इसमें क्या करा रहेंगे, हमारा आंसर है ना इसमें डॉट ऐड कर देंगे, हमने यहाँ पे डॉट ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे देखते हैं, अब हमने एक मैप बनाया ठीक है, तो इस केस में मैप की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, बट मैं बना देता हूँ जब आपको अच्छे से समझ आए। हम एक मैप बनाते हैं ठीक है, उसमें क्या स्टोर कराते हैं, मैप में रिमाइंडर और लेंथ, जो भी हमारी स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ। तो अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो तो नहीं है, नहीं हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। हम चेक करेंगे कि अगर हमारे मैप में जो रिमाइंडर है वो कंटेन करता है हमारा मैप, वन को कंटेन करता है, नहीं अभी तो मैप खाली है, एल्स में आए। अब एल्स में क्या किया, सबसे पहले रिमाइंडर को और इस जो हमारी स्ट्रिंग है उसको हमने इंसर्ट कराया अपने मैप में, तो जो हमारा रिमाइंडर था वो तो वन था और जो लेंथ थी वो थी 1 2 3, तीन लेंथ ठीक है, तीन लेंथ। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है देखते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको अपने आर को, अपने रिमाइंडर को 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 आ गया ठीक है, फिर वापस क्वेश्चन निकाला और रिमाइंडर निकाला, तो 5 आ गया यहाँ पे और रिमाइंडर में भी 0 आ गया। तो अब क्या हुआ, अब लूप से दोबारा आ गया कि 0 है और सिंपली आंसर प्रिंट हो गया ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये केस तो आपको समझ आ गया होगा, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है और एक और बार कर लिया। अब उस केस के बारे में बात करते हैं जिसकी हम तब से वेट कर रहे हैं ठीक है, तो अब ये केस देखते हैं। जी हाँ, अब ये केस देखेंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो है 14, डिनोमिनेटर है 3 ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, तो जो न्यूमरेटर है वो 14 आ गया, डिनोमिनेटर है 3 आ गया ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसे क्वेश्चन निकाला, क्वेश्चन हमारा आ गया 4, रिमाइंडर निकाला तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर देखा हमने कि हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल है, नहीं नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे हमने एक डॉट ऐड कर दिया अपने आंसर में ठीक है। फिर हमने मैप बनाया, मैप बना लिया ठीक है, हमने चेक किया कि हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो हम इस लूप में आ गए एंटर करके। हमने सबसे पहले चेक किया कि हमारा जो रिमाइंडर है हमारे मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नहीं ये रिमाइंडर नहीं करता, मैप खाली है। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को अपने मैप में डाल देंगे, तो हमने इस रिमाइंडर को अपने मैप में डाला, किसके साथ, लेंथ के साथ, लेंथ कितनी है अभी 0 1 सॉरी 1 2, दो लेंथ है ना, उसकी लेंथ भी 2 है ठीक है। अब क्या किया, ये हमारा इसको 10 से मल्टीप्लाई करा रिमाइंडर को, कर दिया। अब हमने कोशेंट वापस निकाला तो कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पे और रिमाइंडर कितना आ गया, 2। अब देखना अब आएगा जो हम तब से वेट कर रहे थे, अब देखना अब क्या हुआ, हम वापस हमारा लूप चला, लूप ने चेक करा कि ये 2 है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या, ये 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे मैप में ठीक है। तो इसने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है ये तो मैप में। फिर हमने क्या किया, जो हमारी जो यहाँ पे लेंथ थी, ये हमारी लेंथ थी, हमने ये निकाली, कितनी लेंथ आ गई हमारी, 2 ठीक है, हमारी 2 लेंथ आ गई ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि एक फ्रंट ब्रैकेट जो आगे वाला ब्रैकेट है ना वो मेरी 2th इंडेक्स पे लगा दो ठीक है, 2 लेंथ निकाली थी ना, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये 0 1 और 2 यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिए फ्रंट। और फिर क्या किया, यहाँ पे एंड में भी एक ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये रिपीट होएगा बार बार, और ये ब्रेक कर दिया ठीक है। तो ब्रेक कर दिया, यही सिंपल हमने किया। आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये हमारा जो मैप है हमें कैसे फाइंड कर रहे हैं, और ये हमने लेंथ क्यों ली, लेंथ से हमें पता चल रहा है कि जो हमें फ्रंट आगे वाला ब्रैकेट है हमें कहाँ पे लगाना है ठीक है। तो यही था हमारा कोड, हमने बहुत इजीली समझा इसको, हमने स्टेप्स में ब्रेक करा, बहुत सिंपल स्टेप थे। पहला स्टेप ये था, पहले इन्होंने हमारे 2 केस हैंडल कर लिए थे, फिर जो रिपीटिंग वाला केस था उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ी ठीक है, उसके लिए हमें मैप में ज़रूरत पड़ी। और फिर क्या देखा हमने कि अगर मैप में जो रिमाइंडर है वो पहले से एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या किया, हमने जो भी उसकी लेंथ है वहाँ पे हमने आगे वाला ब्रैकेट लगाया और फिर एक एंड का ब्रैकेट लगा दिया, उसको ब्रेक कर दिया कि रिपीट हो रहा है, कि मैप में रिमाइंडर पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हमने उसका जो साइज है आंसर डॉट साइज पुट कर दिया। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमें आंसर की साइज को पुट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हमें उससे पता चल जाए कि जो फ्रंट वाला ब्रैकेट है वो कहाँ पे लगाना है ठीक है, वो हमें लगाना है कहाँ पे। यही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।